नंबर तीन, नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.2, इसमें दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि खाली अंडर रूट 5 के लिए ही नहीं, और अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 7 है, इनमें से अंडर रूट 8 है, कोई भी डिजिट आ जाए तो आपको उसको कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। सबसे पहले आप एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद यहां जीरो से लेकर जो संख्या दे रखी है, अगर 5 है तो 5 को मेजर करेंगे और 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मतलब 6 सेंटीमीटर तक पॉइंट लगा लेंगे। उसके अगर अंडर रूट 3 का खींच रहा है तो अंडर रूट 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, अगर अंडर रूट 7 का ड्रॉ कर रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर और उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद इस वाले पॉइंट से ए और इस वाले पॉइंट से बी से आपको क्या करना है, आधे से ज्यादा दूरी लेनी है कंपास में, दो आर्क लगा देनी है, ये दोनों आर्क जब लग जाएंगे तो आप ज्वाइन कर देना इन पॉइंट्स को जहां कट हो रहे, और ये सेंटर वाला पॉइंट मिला इस पे रख के आप सेमी सर्कल अर्धवृत्त ड्रॉ कर देंगे, अर्धवृत्त खींच देंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट है सी वाला, इस पे आप क्या करेंगे, बी स्केल रख के 90 डिग्री का कोण बना देंगे, 90 डिग्री का कोण तैयार कर देंगे। उससे क्या होगा, इस पॉइंट पे आप कंपास रखेंगे और पेंसिल को इस पॉइंट पे रख के आप उसको लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये अंडर रूट 5 होगा, जिसकी वैल्यू 2.236। तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी जब आप स्केल से मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 2.2 के लगभग। और आपको ये वैल्यू याद रखने के लिए मैंने शॉर्ट्स में रूट 1 से लेकर अंडर रूट 30 तक शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, ऐसे क्यूब रूट के भी उसमें वीडियोस डाली हुई हैं।